हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10। सो आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, आपको इसके इक्वल शो करनी है ये वैल्यू। सो सबसे पहले रो वन, रो टू और रो थ्री को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सारी सिमिलर टर्म्स हैं कॉलम वन में, कॉलम टू में और कॉलम थ्री में। जो कि रो वाइज ऐड मैं करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एक जैसी आएगी। सो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, सबसे पहले रो वन चेंज हो रही है रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। सो दैट मीन्स 2x प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 4, दैट इज 5x प्लस 4 यहाँ पर भी आएगी आपकी वैल्यू, 5x प्लस 4 यहाँ पर भी आएगी, 5x प्लस 4 यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू आएगी, क्योंकि हर एक कॉलम में आपके पास 2x 2x x प्लस 4 वैल्यू आपके पास है। सो रिमेनिंग रोज आप ऐसे एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, रो 1 में 5x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन, सो वो बाहर निकल जाएगी, राइट। सो आपका जो डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 1 1, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। सो यहाँ पर अब आपके पास 1 1 1 है, सो यहाँ पर अगर मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करूँगी, 0 मुझे यहाँ मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से भी कोई ना कोई वैल्यू आपकी ज़रूर डिडक्ट होगी। सेम वे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे, यहाँ पे भी आप 2 जीरोस बना सकते हैं। सो ऑपरेशन कौन कौन सा लग रहा है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सो इससे क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, ओनली ऑपरेशंस की हेल्प के साथ ही आप अपने जो डिटर्मिनेंट में मैक्स टू मैक्स जीरो ला सकते हैं, ताकि जो आपका डिटर्मिनेंट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व होके एक्सपैंड हो, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, सो आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी जीरो है कॉलम वन में और यहाँ पर भी जीरो है, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म अगर आप इस कॉलम वन से बाहर निकाल के लिखेंगे तब भी ये करेक्ट है, राइट। सो कॉमन लिया जा सकता है, 5x प्लस 4 आपका ऑलरेडी बाहर था, x माइनस 4 कहाँ से आपका आया है, यहाँ से, दैट इज आपने इस पूरे कॉलम में से x माइनस 4 कॉमन लेके बाहर लिख दिया है, राइट। सो यहाँ पर वैल्यू क्या बची है, 0 1 0, और यहाँ पर आपके पास एक बार x माइनस 4 है और एक बार वैल्यू है आपकी 4 माइनस x, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको x माइनस 4 की फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4, राइट। और यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 ऑलरेडी है, बाकी की टर्म्स एज इट इज़। सो आपने देखा कॉलम 2 में x माइनस 4 अगेन आपका कॉमन लिया जा सकता है, राइट। सो आपने फिर से उसको बाहर लिख दिया है, दैट इज़ x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से अब बाहर आ चुका है, एक ऑलरेडी था, एक और बार x माइनस 4 बाहर आया तो ऊपर क्या पावर हो गई, स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आई है, 0 माइनस 1 1। सो नाउ हम इसको एक्सपैंड करके अब लिख सकते, अगर मैं रो 1 से एक्सपैंड करती हूँ अब इसको, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 2 टर्म्स क्या है, 0, सिर्फ एक 1 बचा है, सो उसी की हेल्प से एक्सपैंड होगा, राइट। सो यहाँ पे एक्सपैंडिंग विद द हेल्प ऑफ रो 1 आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 0 प्लस 1। सो इस डिटर्मिनेंट में जब ये एलिमेंट आप चूज़ करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज बचेंगी, सो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1, राइट। सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा है, 5x प्लस 4 और ब्रैकेट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। लेकिन आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको चाहिए 4 माइनस x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ऊपर पावर स्क्वायर चल रही है तो चलने दो, यहाँ पर मैं इसको अगर 4 माइनस x की फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो मुझे माइनस बाहर लिखना पड़ेगा, राइट। सो अगर लेकिन पूरे इस पावर पे स्क्वायर है, राइट। सो अगर मैं इसमें से कॉमन भी बाहर ले रही हूँ इस टर्म में से, सो माइनस अगर बाहर लिखना पड़ रहा है मुझे, तब जाके क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 माइनस x, ठीक है। तो ये 4 माइनस x अगर मैंने लिख दिया है और ये सब कुछ क्या चल रहा है, स्क्वायर के अंदर, तो ये स्क्वायर अगर इसके साथ आएगा तो इस माइनस को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव में। तो फाइनल आंसर क्या आपका आया है, 5x प्लस 4 ब्रैकेट में 4 माइनस x का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो हैंस प्रूव्ड। सो सेकंड पार्ट में आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू k स्क्वायर 3y प्लस k की फॉर्म में लेकर आनी थी, राइट। आपने सबसे पहले क्या किया,
सब में कॉलम्स में इक्वल वैल्यूज हैं, आपने रो वाइज इनको ऐड कर दिया। सो कॉमन वैल्यू आई रो वन में जो कि आपने निकाल के बाहर रख दी बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। सो यहाँ पर रहेगी सिर्फ 1 1 1। सो ताकि अब आप इजीली 0 बना पाए तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया गया है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। वो करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट बचेगा इनसाइड में, राइट। तो यहाँ से 0 0 है तो के की टर्म बाहर जा सकती है और यहाँ से के की टर्म भी बाहर जा सकती है। तो यहाँ पे के स्क्वायर आपका आया है इस तरह से, राइट। सो रिमेनिंग आपके जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपैंड होके रो वन की हेल्प के साथ सॉल्व हो जाएगा। सो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में देखो, आपको ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल शो करना है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी है। यहाँ पे कॉलम वाइज चेक करो, ट्वाइस ऑफ b है, ट्वाइस ऑफ c है। अगर आप रो वन रो टू रो थ्री को ऐड करते हो तो यहाँ पर ये एलिमेंट देखो किस तरह से बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी। सो ये वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। सो ए आपके पास ऑलरेडी था, माइनस बी प्लस ट्वाइस बी क्या हो गया, ओनली बी। माइनस सी प्लस ट्वाइस सी क्या हो गया, ओनली सी। सो इसी तरह से हर एक कॉलम में आपके पास इस तरह से वैल्यूज हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो पहला ऑपरेशन जो है रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री को ऐड करना, जिससे आपकी वैल्यू क्या आएगी रो वन में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। सो यहाँ पर रो वन से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कॉमन आके आप कहाँ लिख सकते हैं, बाहर, राइट। तो यहाँ पर रह जाएगी आपके पास वैल्यू 1। सो यहाँ पे अगेन इन टू टर्म्स को 0 बनाने के लिए मुझे ऑपरेशन कौन सा लगाना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, सो आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस आपके पास इस तरह से डिटर्मिनेंट में वैल्यू आपकी बचेगी। सो यहाँ पर कॉलम वन में ए प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले सकते हो बिकॉज यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। सो एक ए प्लस बी प्लस सी आपका ऑलरेडी बाहर है, ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे आपके पूरे डिटर्मिनेंट में से 2 बार ए प्लस बी प्लस सी बाहर जा रहा है, एक ऑलरेडी था बाहर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। रिमेनिंग यहाँ पर क्या वैल्यूज बचेंगी कुछ इस तरह से, जो कि आप डिटर्मिनेंट की हेल्प के साथ एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो वन, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, जिसको भी आप सॉल्व करेंगे आपके पास ओनली 1 वैल्यू आएगी। सो आपका फाइनल आंसर जो आप इसका डिटर्मिनेंट खोलने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, राइट हैंड साइड के इक्वल, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। सो ये फाइनल आंसर है आपका। सेकेंड पार्ट भी एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, लेट्स सी। ये आपके पास डिटर्मिनेंट थी, आपको इसके इक्वल शो करना था। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रो देखो पूरी, यहाँ पर x है, y है, ट्वाइस ऑफ z है। अगर कॉलम वाइज मैं ऐड करती हूँ, राइट, तो मेरे पास 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा और 2 बार z। हर एक कॉलम को ऐड करके देखो कॉलम वन में, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, 2 बार z मिलेगा, 2 बार y मिलेगा और 2 बार x मिलेगा। सेम फॉर हेयर। सो कॉलम वन में मैंने सारी वैल्यूज कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ऐड कर दी हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये वैल्यू क्या आई है, सिमिलर, जो कि मैंने उठा के बाहर लिख दी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ क्योंकि एक्स वाई जेड के साथ क्या वैल्यू आ रही थी, 2, जो कि मैंने कॉमन वे में लिख के इस तरह से लिख दिया है, राइट। अब यहाँ पर रह गया है 1 1 1। सो रो ऑपरेशंस लगा के ये वैल्यूज़ को आप 0 बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सो रो वन में से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकलेगा और रो टू में से भी x प्लस वाई प्लस जेड आपका बाहर निकलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 2 आपका साथ में चल रहा था, राइट। सो यहाँ पर कॉलम 1 की हेल्प से अगर मैं एक्सपैंड करूँ, क्यों, क्योंकि कॉलम 1 में ही मैक्सिमम 0 है, जिससे कि मेरा एक्सपैंड जल्दी हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 2 टर्म्स आपकी ऑलरेडी 0 हैं ही, राइट। सो यहाँ पे मैंने कॉलम 1 की हेल्प से एक्सपैंड किया, तो यहाँ पर आपके पास 1 ही वैल्यू आई। सो 1 मल्टीप्लाई दिस अगेन दिस, सो जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो, आपको ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल शो करना है। सबसे पहली बात,
आप हर एक कॉलम में देखो, वन एक्स स्क्वेयर एक्स मिलेगा, वन एक्स एक्स स्क्वेयर मिलेगा। सो आपने क्या करना है, रो वाइज इनको ऐड कर देना है। सो रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये वैल्यू बाहर कॉमन लेके हम लिख सकते हैं, यहाँ पर के वैल्यू बची 111। सो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशंस लगा के यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू 0, राइट। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस आपके पास ये डिटर्मिनेंट रिमेनिंग बचेगा, राइट। अब यहाँ पर देखो इस टर्म को मैं किस तरह से लिखती हूँ, हर एक टर्म को, ये जो फोर टर्म्स हैं इनको मैं कैसे लिखती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। इस डिटर्मिनेंट को मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो इस टर्म को मैंने किस तरह से लिखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, जिसको मैं लिख सकती हूँ ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर की आइडेंटिटी के साथ, दैट इज़ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। सो इस टर्म को मैंने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर वन माइनस एक्स था तो मुझे एक्स माइनस वन की फॉर्म में लिखना था, तो मैंने माइनस कॉमन बाहर लिखा और x माइनस वन लिख दिया, राइट। यहाँ पर देखो माइनस एक्स की टर्म मैं कॉमन लूँगी यहाँ से, तो अंदर मेरे पास वैल्यू बचेगी x माइनस वन, और इस टर्म को सेम एग्जैक्टली इस तरह से लिखा है, दैट इज़ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब इस पूरे कॉलम वन में से x माइनस वन बाहर निकल रहा है और इस कॉलम टू से भी x माइनस वन बाहर निकल रहा है। x माइनस वन दो बार आपका बाहर निकला है, तो x माइनस वन का स्क्वेयर, राइट। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। अब यहाँ पर ध्यान से देखो रो वन की हेल्प के साथ अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ इस डिटर्मिनेंट को, तो ये टू टर्म्स तो जीरो ही हैं, यहाँ पर वन। सो अल्टीमेटली मेरे पास डिटर्मिनेंट वाइज ये फोर एलिमेंट्स को मुझे सॉल्व करना है, दैट इज वन प्लस एक्स स्क्वेयर आपके पास ऑलरेडी है, एक बाहर सिंगल टर्म है वन प्लस एक्स स्क्वेयर की, x माइनस वन का स्क्वेयर, दैट मीन्स x माइनस वन के आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, टू टर्म्स हैं, राइट। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी, राइट। अब मैं इसको इस पोर्शन को सॉल्व कर लेती हूँ। सो यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, दैट इज x प्लस वन का स्क्वेयर माइनस x इंटू वन, माइनस माइनस अगेन प्लस ही है और माइनस आपका है बाहर, तो माइनस x। अब इसको सॉल्व करो, x का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू एक्स, माइनस एक्स आपका ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास बचेगी, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, सिर्फ x वैल्यू बचेगी बिकॉज टू एक्स माइनस एक्स इज ओनली x। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या ये टू टर्म सेम है, यस yes। तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इनका स्क्वेयर करके लिख सकती हूँ बिकॉज ये सेम टर्म्स हैं और दो बार मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो अब ध्यान से देखो यहाँ से कि ये वाली टर्म का भी मेरे पास स्क्वेयर है, ये वाली टर्म का भी स्क्वेयर है, अल्टीमेटली मैं इनको स्क्वेयर इस तरह से लिख सकती हूँ, बाहर कॉमन। अभी भी इसका मतलब क्या है, स्क्वेयर दोनों टर्म्स के ऊपर है, राइट। मैंने होल का स्क्वेयर करके लिख दिया है, यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वेयर था, इसके ऊपर भी स्क्वेयर था, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही हो रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया कि ये जो स्क्वेयर की टर्म ऐसे दिखाने से बजाय इसको होल स्क्वेयर मैंने दिखा दिया है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है। पहली बात, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो x का क्यूब माइनस वन के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो इस आइडेंटिटी की हेल्प के साथ, दैट इज x माइनस वन, एक्स का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, अगेन वन ही होगा, राइट, प्लस x इंटू वन, दैट इज x। क्या ये टर्म इस टर्म के साथ मैच कर रही है, यस yes, कर रही है, तो आप इस टर्म को इसकी इक्वल भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब, दैट इज वन का क्यूब क्या होगा, अगेन वन। सो ये ऑलरेडी क्या चल रहा है, बाहर स्क्वेयर। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वहाँ पर मैम वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पर आप माइनस की टर्म कॉमन भी ले सकते हो, राइट। माइनस की टर्म कॉमन लेने से क्या होगा, बाहर तो चल रहा है स्क्वेयर, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो वन
माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि इसको माइनस को मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस वन। तो इस टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। सो अब ये वाले माइनस के ऊपर भी स्क्वेयर आ जाए, इसके ऊपर तो स्क्वेयर है ही, मतलब दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये माइनस की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। सो वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर, इसको आप लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पर आपका आंसर आया ही नहीं है, एग्जैक्टली आपका वही आंसर आया है जो कि राइट हैंड साइड में है, बस यहाँ पे माइनस आपका कॉमन लेकर आपको शो करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।